का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह। कक्षा में प्रथम आए छात्र हुए पुरस्कृत, विद्यालय ने कराया साइकिल व चेक वितरण कार्यक्रम। जनपद जौनपुर के सुजानगंज विकास खंड के अंतर्गत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज में प्रथम आए सभी छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के लिए साइकिल एवं पारितोषिक स्वरूप चेक वितरित किया गया। कहा जाता है कि नन्हे मुन्ने बच्चों में हौसलों की कमी नहीं होती, केवल उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद वह बच्चे धीरे धीरे अपनी लाइन पर स्वतः आगे बढ़ते जाते हैं और समाज में एक नई ज्योति के रूप में, एक नए दीप के रूप में गांव का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे बच्चों को पहले से ही यदि विद्यालय इसी तरह से उनका मनोबल बढ़ाती रहे, उन्हें पुरस्कृत करती रहे, तो निश्चित ही आगामी काल में और अच्छी तैयारी करेंगे और प्रतिस्पर्धा करते हुए वह हर जगह हर परीक्षाओं में प्रथम आने की कोशिश करेंगे और अपने क्षेत्र व जिले का नाम रोशन करेंगे। ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज सुजानगंज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बदलापुर भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय शंकर दुबे अज्जू भैया व अध्यक्षता सभाकांत शुक्ला ने किया। इस दौरान क्रमशः कक्षा 12वीं के छात्र पीयूष द्विवेदी को, 11वीं के छात्र मानस द्विवेदी को, 10वीं के छात्र अभिनव पाल को, 9वीं की छात्रा ज्योति यादव को, 8वीं के छात्र विष्णु विश्वकर्मा को, 7वीं की छात्रा रुचि यादव, 6वीं के छात्र शिवांश उपाध्याय को, 5वीं की छात्रा श्रेया उपाध्याय व 4थी की छात्रा श्वेता विश्वकर्मा को साइकिल देकर के पुरस्कृत किया गया एवं 85% से ऊपर लाने वाले अन्य तमाम छात्र छात्राओं को मेडल, बुक एवं चेक से पुरस्कृत किया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम गणमान्य नरसिंह यादव, हीरालाल दुबे, माता दीन यादव, डॉक्टर विनोद पाल और थाना अध्यक्ष सुजानगंज इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संतोष द्विवेदी ने किया और आए हुए अतिथियों का आभार विद्यालय के प्रधानाचार्य कालूराम पटेल ने व्यक्त किया। लखनऊ व्यापारी एसोसिएशन का ईद मिलन समारोह संपन्न। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित सुख कॉम्प्लेक्स में लखनऊ व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा ईद मिलन समारोह कराया गया, जिसमें लखनऊ की तमाम हस्तियां आमंत्रित थीं और सबने मिलकर के ईद मिलन समारोह में शिरकत किया। गंगा जमुनी तहजीब को कायम करते हुए एक दूसरे के साथ जमकर के लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के आयोजन के विषय में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिन्हा ने कहा कि हम गंगा जमुनी तहजीब को लखनऊ शहर के बीच ही नहीं पूरे प्रदेश में कायम रखना चाहते हैं। तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो आपस में विद्वेष मतभेद करा रही हैं, इन खाइयों को पाटने के लिए हम सबको आगे आना होगा और मिल करके एक साथ होली, दिवाली, दशहरा और ईद मनाना होगा। कार्यक्रम में ही विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे पी न्यूज चैनल के चेयरमैन धीरज कुमार ने कहा कि ऐसे चैनल, ऐसे मीडिया हाउस जो कि आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं, डिबेट कराते हैं और डिबेट का कोई अर्थ निकलता नहीं है, और ऐसे समाचार पत्र जो कि मूलभूत समस्याओं को न छाप करके आपसी भाईचारे को नष्ट करने का काम करते हैं, उन समाचार चैनलों पर, उन अखबारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस अवसर पर लखनऊ व्यापारी एसोसिएशन ने रत्नाकर मिश्रा को नवीनतम सदस्य के रूप में बनाया और रत्नाकर मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि हम एसोसिएशन के द्वारा दी हुई जिम्मेदारियों का पूर्णतया निर्वहन करेंगे और गंगा जमुनी तहजीब को कायम करते हुए समाज के हर वर्ग, हर तरह के लोगों के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर निजामुद्दीन हाशमी, अकील आदि उपस्थित रहे। सुबह बनारस की अनुपम छटा से पूरे विश्व को आकर्षित करने वाला भगवान विश्वनाथ का दरबार तथा
उत्तरवाहिनी गंगा के अनुपम समागम वाली काशी हो, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की आस्था का सिरमौर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण लीला के अनुपम दर्शन कराता गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा या द्वारिका हो, गंगा सागर हो या विश्व का कोई भी धार्मिक स्थल, हम कराएंगे आपको घर बैठे तीर्थ यात्रा हर सुबह 8 बजे पी न्यूज़ चैनल पर।